नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 6, और पाठ संख्या 6 है वचन। तो देखते हैं क्या होते हैं वचन। निम्नलिखित को देखो, पढ़ो और समझो। आकाश में एक चांद है, आकाश में अनेक तारे हैं। तो वचन है एक, अनेक। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक और अनेक से चांद और तारों की संख्या का बोध हो रहा है। जब हम एक कह रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि एक चांद है, जब हम अनेक कह रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे तारे हैं। इस प्रकार के संख्या बोधक शब्दों को व्याकरण में वचन कहा जाता है। परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह संख्या में एक है या अधिक, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन, बहुवचन। एकवचन, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के एक होने का बोध हो कि वह एक ही है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चिड़िया, पंखा, लड़की, रानी आदि। अब बहुवचन देखते हैं, जिस शब्द से एक से अधिक, अनेक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चिड़िया, पंखे, लड़कियां, रानियां आदि। वचन परिवर्तन, एक वचन से बहुवचन परिवर्तन के नियम निम्न प्रकार हैं। कुछ नियम भी होते हैं इनके। पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ को ए कर देने से, अगर पुल्लिंग शब्द है और उसका अंतिम स्वर आ है तो वो ए हो जाएगा। जैसे कि लड़का, लड़के, ठीक है। इसी तरह से ये सारे बनेंगे। चलिए कुछ बना के देखते हैं। लड़का, लड़के, रास्ता, रास्ते, संतरा, संतरे, बच्चा, बच्चे, जूता, जूते, बेटा, बेटे। अब ये आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर पुल्लिंग शब्दों का अंतिम स्वर आ होगा तो उसे हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, उस आ को ए कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा नियम देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई अथवा ई का इया कर देने से, जैसे कि नीति, छोटी की मात्रा की आवाज आ रही है, नीति, तो नीति या इया कर देंगे हम। लड़की, लड़की या, कली, कली या, गली, गलियां। अब रानी और शक्ति को आप स्वयं बनाएंगे बहुवचन में। आपको ये याद रखना है कि हमेशा छोटी ई ही आएगी, जैसे इया, छोटी ई बताया गया है आपको, छोटी ई, और या, चंद्रबिंदु या के ऊपर आएगा। इस प्रकार ये दो नियम हो गए। आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर अ के स्थान पर ए कर देने से, जैसे कि अगर स्त्रीलिंग शब्द में रात में अ आ रहा है, रात अंतिम स्वर अ है, तो उसके बहुवचन में हम क्या लिख देंगे, ए, रात, रातें। सड़क, सड़कें, जीप, जीभें, पुस्तक, पुस्तकें, जुराब, जुराबें, आंख, आंखें। और इनके बहुवचन बात, तस्वीर, बहन, इनके बहुवचन आप स्वयं लिखेंगे। अब चौथा नियम है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को हम या कर देते हैं, जैसे चुटिया, चुटियां, बिटिया, बिटियां, डिबिया, डिबियां, चूहिया, चूहियां, गुड़िया, गुड़िया। पांचवा नियम देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ में ए जोड़ देने से, जैसे मात्रा, मात्राएं, छात्रा, छात्राएं, भाषा, भाषाएं,
सीमा सीमाएं, और ये दो शब्द बहुवचन में आप स्वयं बदलेंगे। उ और ऊ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर तथा ऊ को उ कर देने से, जैसे कि बहु बहुएं, लू लुएं, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, जू जुएं, ये जो बड़ा ऊ है ये छोटा बदल जाएगा, ठीक है, जैसे कि जू ए। इस प्रकार से आप ये सभी शब्दों के बहुवचन स्वयं लिखेंगे। अब हम करते हैं वचन संबंधी कुछ अन्य नियम। वचन परिवर्तन से संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। अब घोड़ा तो वचन है, हमें इसे बहुवचन में बदलना है घोड़े। अब हम ये नहीं लिख सकते कि घोड़े दौड़ रहा है, हम क्रिया को भी बदलेंगे घोड़े दौड़ रहे हैं। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं, जैसे साधु चल रहा है, साधु चल रहे हैं। यहाँ आपको क्रिया से पता चलेगा कि एक साधु है या अनेक साधु हैं, लेकिन हम साधु को बहुवचन साधु ही रखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कुछ शब्दों जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, लोग आदि का प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है, जैसे मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, डर के मारे उसके प्राण निकल गए, रोगी की हालत देखकर उसके आंसू निकल पड़े, देखो लोग शोर मचा रहे हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है। क्या पढ़ा, क्या सीखा? वचन का अर्थ बताओ, उसके भेदों का उदाहरण दो। तो शब्दों के समूह को हम वचन कहते हैं और उसके भेदों का उदाहरण आप स्वयं देंगे। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करो। भाषा का बहुवचन है भाषाएं, प्याला प्याले, कपड़ा कपड़े। भाषाएं का वाक्य में प्रयोग यहाँ पर मैंने लिखा है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब आप इन दोनों का वाक्यों में प्रयोग स्वयं करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के एकवचन रूप लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करो। संतरे संतरा, आँखें आँख, सखियाँ सखी। तो संतरे का यहाँ पर मैंने वाक्यों में प्रयोग किया है, पिताजी ने मुझे एक संतरा दिया। अब इन दोनों का आप वाक्यों में प्रयोग स्वयं करेंगे। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप बनाकर वाक्य पूर्ण करो। यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं, इनके बहुवचन रूप बनाकर इन वाक्यों को पूर्ण करना है। मेज पर बहुत सी पुस्तकें रखी हुई हैं। एक वर्ष में चार ऋतुएं होती हैं। मीना की सखियां खेल रही हैं। अपने जूते बाहर निकालो। तो बच्चों, आपको एक वचन और बहुवचन समझ में आ गया होगा। अब आपने पाठ का पाठन पुनः करना है और प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने हैं। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।